भारत की पिछली 10,000 वर्ष पुरानी और जागृत अध्यात्म परंपरा में दार्शनिकों, सन्यासियों, सिद्ध महात्माओं की कोई कमी नहीं रही। इस परंपरा में भिन्न भिन्न मार्ग के लोग रहे, एक धारा शास्त्रीय चिंतकों की रही, जो पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति, स्वाध्याय, चिंतन मनन से आगे बढ़ी। दूसरी परंपरा इन गुरुकुलों से परे स्वतंत्र सिद्धि और साधना की रही। कुछ राह चलते फकीर भी हुए, जो अपनी अचूक दृष्टि से भारतीय जीवनधारा को देखते समझते रहे। इन सभी अलग अलग परंपराओं की अनेकानेक शाखाएं भी होती रहीं, लेकिन एक बात सामान्य रूप से देखी गई, किसी ने शॉर्टकट से सिद्धि नहीं पाई, किसी ने स्वयं को अवतार भगवान घोषित नहीं किया, कोई महल और 5 सितारा राज प्रासादों में नहीं रहा। सभी बड़े चिंतक, साधक, सन्यासी, शंकराचार्य कठोर जीवनानुशासन से बंधे रहे। कुछ अन्य पंथ के लोगों ने इन सब को नहीं माना, वे अपनी राह चलते रहे। कमोबेश यही स्थिति 20वीं शती के प्रारंभिक समय तक रही। रामकृष्ण से रमण महर्षि तक उदाहरण बनकर हमारे सामने हैं, यहाँ तक कि नीम करोली बाबा का जीवन भी देखा जा सकता है। वही एक कंबल लपेटे हुए दीख पड़ते हैं, ऐसे ही अनेकानेक लोग हैं। भारत की कथित आज़ादी के बाद नई धारा के चिंतक और स्वामी जी प्रकट होने लगे, जो एक ओर अकादमिक चिंतक होने का स्वांग भी करते, दूसरी ओर अध्यात्म साधना सिद्धि की दुकान भी सजाते। उन्होंने समझाना शुरू किया कि तुम कैसे 5-स्टार सिद्धि पा सकते हो, कैसे पूरी कर्मकांडीय परंपरा का उच्छेद कर संभोगरत रहते हुए समाधि तक पहुँच सकते हो, कैसे चिलम चरस फूकते हुए उद्घोष कर सकते हो, खोल पलक देख दुनिया की झलक, जय बाबा कैलाशपति, भोले की भौज करेगी मौज, जो भक्त हो महाकाल का, काल उसका क्या करे, आदि आदि नारे आप सुन सकते हैं। कैसे हर दार्शनिक परंपरा का मंडन और फिर अपनी सुविधा से हास्यास्पद खंडन कर सकते हैं, कभी भी किसी देवता ऋषि का उपहास कर सकते हैं, कैसे अपनी बात मनवाने के लिए हजारों झूठी कहानियां गढ़ सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा से उखड़ा हुआ हताश देश इन बाबाओं की ओर देखने लगा, क्योंकि देखने के ऊंचे प्रतिमान रहे नहीं, रहे भी तो नेहरूवियन आइडियोलॉजी में समेट दिए गए, हाशिए पर धकेल दिए गए। बाबा फलने फूलने लगे, ये चमक ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तो वहीं से है। चमक दमक के साथ सुंदरियों की गमक, एक तरफ भोग, दूसरी तरफ समाधि, साधना, ज्ञान, मुक्ति, इससे बढ़िया और मनभावन क्या हो सकता था। बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग पहुंचने लगे, समाधियां होने लगीं, संभोग चलता रहा, बीच बीच में बाबा जी हर तरह के प्रवचन करते रहे। उनके पास भ्रमित समाज को और भरमाने की बुद्धि थी, और भ्रमित समाज के पास उस परम सिद्धि को प्राप्त करने का साहस कहाँ था। उस रास्ते पर चलना दुस्साध्य था, यही रास्ता निरापद था। बाल बढ़े, दाढ़ी बढ़ी, गले में भगवान की माला, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, नाच गाना, जीवन में मुक्त निर्भर होने का मंत्र, भोगो पर भार न रखो, निकल जाओ। कोई आत्मावलोकन, आत्मनिंदा, भर्त्सना नहीं, यह हिंदुओं के आत्मावलोकी स्वभाव पर सबसे भयंकर आघात था। इसने एक नया रास्ता खोला, फिर तो रास्ते ही रास्ते खुलते गए, बाबाओं की दुनिया चल पड़ी, भांति भांति के बाबा जन्म लेने लगे। कुछ ऐसे बाबा भी जो लोगों को धर्म से दूर ले जाकर धर्मांतरण गिरोहों के चंगुल में पहुंचाने का काम करने लगे। धृष्टता इतनी बढ़ गई कि लोग खुलेआम समोसा खाओ और कष्ट भगाओ के मंत्र का पाठ करने लगे। लोगों ने दिमाग नामक पुर्जे को खोलकर ताखे पर रख दिया। अपनी परंपरा और शास्त्र से वह पहले ही विमुख हो चुका था, उसने ऐसे बाबाओं के चरण पकड़ लिए। हर जाति हर बिरादरी का ब्रह्मांड ज्ञाता प्रकट होने लगा। आप लाख मना करें, लेकिन धर्म और अध्यात्म को बाजार बनाने, सब कुछ करते हुए उससे अस्पृष्ट निकल जाने की सीख श्री भगवान जी ने दी। उन्होंने नाला खोदा, अब विकराल नाले बह रहे हैं, कीड़े बज बजा रहे, कीर्तन हो रहा, जूतम पैजार हो रही। अपने अपने ईष्ट देव के साथ राज प्रासाद जैसे आश्रमों में रहने वाले बाबा हर दिन लाखों करोड़ों लोगों को ज्ञान दे रहे। हम ज्ञानामृत का पान कर अघा रहे। यह समझना कठिन नहीं कि आश्रम में भगदड़ और दुर्घटना के बाद बाबा जी का भाग जाना क्या संकेत करता है। कोई भी कथित साधु संत महात्मा अपने भक्तों की दारुण मृत्यु पर भाग जाए तो यही साबित होता है कि वह बड़ा भारी मक्कार है। दुर्भाग्य से बड़ी संख्या में
हिंदू समाज ऐसे ही प्रचंड बदमाश संदिग्ध किस्म के घृणित अय्याश बाबाओं की शरण में है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।